हे गाइस, वेलकम बैक आवर चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही इजी तरीके से कि कैसे आप घर पे गुलाब जल यूज़ कर सकते हो। गर्मियाँ आ गई हैं, गर्मियाँ में हमें हमारे स्किन को थोड़ा सा गर्मियों की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, और अगर हम गुलाब जल का यूज़ करते हैं तो वो आपकी स्किन को बहुत ही अच्छा ठंडक देता है, जिससे कि आपकी स्किन की थोड़ी सी प्रॉब्लम कम हो जाती है गर्मियों में। तो इसे हम कैसे आसानी से बना के इसे स्टोर करके रख सकते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे आपको पानी ले लेना है। मैंने यहाँ पे 1 कप पानी लिया है। पानी को अच्छे से बॉयल कर लीजिएगा। गुलाब की पंखुड़ियाँ लेना है, उसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। उसे वॉश करके सुखा लें, उसके बाद आपको बॉयल जब पानी होने लगे तो उसमें ऐड कर देना है, और इसे ढक के आपको बॉईल करना है। आपको तब तक बॉईल करना है जब तक पानी आपका जल के आधा से भी थोड़ा सा कम हो जाना चाहिए। तब तक आपको इसे धीमे आँच पे ही आपको इसे रखना है। आपको हाई या मीडियम पे नहीं रखना है, इसे धीरे धीरे ही बॉईल होने देना है। अच्छे से 10 मिनट के लिए इसे धीमी आँच पर आपको ढक के बॉईल करना है। यह आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। यह आपकी स्किन को पोर्स को भी ओपन पोर्स को भी मिनिमाइज़ करता है और आपकी स्किन को स्मूथ बनाता है। गुलाब जल आपकी स्किन को टाइट करने में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, और गर्मियों में हमें बहुत ही ज़्यादा कई बार इचिंग की भी प्रॉब्लम हो जाती है फेस पे, और सन टैन की भी प्रॉब्लम हो जाती है, और बहुत गर्मियों में कई लोगों के दाने दाने भी निकल आते हैं। तो ये गुलाब जल आपके स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, तो आप गर्मियों में इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। इसे बॉयल करने के बाद हम इसे छान लेंगे। छानने के बाद इसे हम पूरी अच्छी तरह से इसे ठंडा होने देंगे। रूम टेम्परेचर पर आप इसे ठंडा होने दीजिए, और इसे आप डेली यूज़ करिए। जब भी आप अपना स्किन केयर कर रहे हैं, या फिर आपको थोड़ा सा ऐसा गर्मी जैसा फील होता है स्किन पे, गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा कभी इचिंग जैसी भी फीलिंग हो जाती है, तो उस टाइम आपको इसे स्प्रे करना है अपने फेस पे। ये जब ठंडा हो जाएगा तो अब हम इसे स्टोर कर लेंगे। आप इसे स्टोर करके फ्रिज में रखेंगे, और फ्रिज में रखने की वजह से ये जब ठंडा ठंडा आप स्प्रे करेंगे अपने फेस पर तो बहुत ही अच्छा फील होता है। इसमें आपको क्या करना है कि गुलाब जल मैंने इसे बॉटल में कर लिया है, मैं इस बॉटल में स्टोर करके रख रही हूँ। उसमें आपको ऐड कर देना है विटामिन ई का 1 कैप्सूल। विटामिन ई आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम के हील करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, और विटामिन ई में एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, जिससे कि आपकी स्किन बहुत ही अच्छी हो जाएगी गर्मियों में। इस बार आप ये वाला गुलाब जल ट्राई करिएगा मार्केट वाला की जगह से, और अगर आपके घर में गुलाब का पौधा है तो उससे ही गुलाब लीजिए। यहाँ पे आपको 5-6 गुलाब के फूल अगर बड़े साइज का है तो वो ले लेना है, और इस रोज़ वाटर को आप स्टोर करके 15 से 20 दिन तक ईजिली रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहो तो रूम टेम्परेचर पे भी स्टोर कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसे फ्रिज में भी स्टोर कर लीजिए। फ्रिज में स्टोर करने की वजह से ये थोड़ा और ठंडा हो जाता है, तो गर्मियों में बहुत ही अच्छा लगता है जब आप इसे अप्लाई करेंगे अपने स्किन पे तो, और ये बहुत ही जल्दी अब्जॉर्ब भी हो जाता है। आप इसे दिन में 2-3 बार अपने फेस पे स्प्रे करिए, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने ये वाला रोज़ वाटर ट्राई किया है कि नहीं, और इसका कलर भी बहुत ही सुंदर निकल के आया था जब मैंने बनाया इसे। आप भी ट्राई करिएगा, और ये मेरे घर के ही गुलाब के फूल हैं, तो आप कोई स्पेशल गुलाब के फूल लाने की ज़रूरत भी नहीं है, पंखुड़ियाँ कि नहीं मार्केट से ले, जो आपके घर में ही है आप उससे ही बना सकते हो। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और लाइक ज़रूर करिएगा। आप कभी भी वीडियो देखते हैं पर लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो के लिए स्किन केयर वीडियो लाती रहती हूँ मैं। अच्छा लगा है तो लाइक एक करिएगा, और आपने ये वाला गुलाब जल ट्राई किया तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको।